Jai Ram Jai Hanuman Radhe Radhe Jai Krishna I am your host Akashdeep Patra welcomes you in my channel and if you are new to this channel kindly hit the red button and subscribe my channel also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released so I am your host Akashdeep Patra I am Nadi Vedic Astrology I am experienced 25 years experienced astrologer and I am today talking on very very important टॉपिक मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में ना बाढ़ आई हुई है एस्ट्रोलॉजर्स की हर बंदा आपको कोई ना कोई विचित्र चीज़ें बता रहा है दुनिया के अंदर हजारों एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अपना चैनल खोल के बैठ गए हैं बहुत अच्छी बात है खोलना भी चाहिए सबको अपना हक है आ, काम करने का पर इससे क्या हो रहा है ना नुकसान क्या हो रहा है आप लोग कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो कोई कह रहा है इलायची रख के आप अपना अमीर बन सकते हो कोई कह रहा है स्विच वर्ड से आप अमीर बन सकते हो कोई कह रहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत हैं हस्बैंड वाइफ हैं बहुत सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट पे आ रहे हैं पॉडकास्ट वाले तो ऑलरेडी वायरल हैं और ये लोग वहाँ पे पैसा दे करके पॉडकास्ट पे पर जा कर के कई एस्ट्रोलॉजर्स फेमस हो चुके हैं और उनका कहना है कि स्विच वर्ड्स जोन से हैं फ्रेंच स्विच स्विच वर्ड्स हैं उनसे आप लोग अमीर हो जाओगे चलो अच्छी बात है उनका अपना मानना है अपनी सबकी अपनी अपनी सबकी मानना है परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है और मेरा ये वीडियो देख रहा है और कईयों ने आप लोगों को ये बात बोल दी कि भाई आपका सूर्य उच्च का है या आपका शुक्र उच्च का है या कोई भी प्लैनिट आपका एग्जेड है और उस प्लानट के आने से आप अमीर हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा कुछ करोगे तब भी आपका वो वहाँ उसके प्लानट आने के बाद भी आपका कुछ नहीं हो रहा है तो भाई आप नीचे लिखे नंबरों पे इमिजिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे अब मैं आज आपको एस्ट्रोलॉजी का सच बताता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो वायरल हैं कोई कहता है कि आठ नंबर शनि का है कोई बोलता है क्या है उसको कैसे करना है आठ नंबर शनि का तो ये सारा साल शनि कंट्रोल करेगा क्यों बाकी प्लैनेट्स कहाँ चले गए और जिनकी दशा पीरियड आपके लाइफ में चल रही है उनका क्या रोल है आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा फिर आपके साढ़े शनि की साढ़े ढैया और इन सब चीज़ों से भी डराया जाता है आप लोगों को तो साढ़े सती अगर चल रही है वो गोचर में चल रही है कि मीन राशि में आ रही है अभी कुंभ लगन में है कुंभ राशि में है उसके बाद मीन राशि में जाएगी तो जिन लोगों के ऊपर वो है और साढ़े सती उसका पहला स्टेज रहेगा तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डराया जाता है गोचर के माध्यम से और जो प्लानट्स की दशा पीरियड चल रही है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता परंतु डरा करके पैसे लिए जाते हैं और आपसे उनका बिजनेस बड़ा तगड़ा चल रहा है मेन बात यह है तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ बहुत ही शॉर्ट वीडियो में ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो पहले तो इन सब इलायची वालों से गोबर वालों से या कोई भी ऐसा टोटका जो आपको बता रहे हैं इनको आप प्लीज़ अनफॉलो कीजिए अपनी लाइफ में आप इस पूरे वीडियो को देखिए आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करना कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि हमारा ये वीडियो आगे को बढ़े और आप लोगों की एक बात एक गुजारिश और है आप लोग सब देख तो रहे हो एट्टी थ्री परसेंट एट्टी फोर एटी फाइव परसेंट देख रहे हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो नॉलेज पूरी ले रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ कर के विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि हमें हौसला अफज़ाई मिले और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे को मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़रूरत आप लोगों को पता चले कि यार वाकई में ही ऐसा कोई इंसान है जो हमारे को रियल में मदद कर रहा है अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं आप वो सब्सक्राइब जरूर कर देना लाइक करना शेयर करना कमेंट करना अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं आपका आपको पहले तो इन सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कट करना है अपनी लाइफ से देखिए ये जो बोलते हैं ना कि आप ये कर लो इलायची कर लो ये डाल लो वो डाल लो स्टोन्स ठीक नहीं उन्होंने खुद ने बहुत सारे स्टोन्स पहने होते हैं जैसे कि मैंने भी पहने हुए हैं स्टोन्स और इनका लाभ है तभी पहने हुए हैं इतना खर्च कर रहे हैं देखो ये नीलम है नीलम है पुखराज है पुखराज है हीरा है हीरा है रेमेडी तीन रेमेडीज हैं जो काम आएंगी आपको जो श्री राम जी ने सीता जी के हरण के टाइम पे मंत्रों का उच्चारण किया था ओम या ओम नमः शिवाय या विष्णु जी का उच्चारण किया था शक्ति पाने के लिए ऐसे ही रावण हो गया मेघनाथ हो गया बहुत सारे लोग हैं जो उच्चारण करते थे मंत्र का तो सबसे पहले तो वो है जिसकी स्ट्रेंथ है फोर्टी थर्टी परसेंट तक जिससे आपका भला हो सकता है दूसरी स्ट्रेंथ है आपके पूजाज जो हम लोग अपने वीडियोस डालते हैं किसी की मदर बीमार हो गई वो हमारे को अप्रोच करता है कि सर मेरी मदर इमरजेंसी में है प्रॉब्लम है डॉक्टर ने जवाब दे दिया हम लोग पूजा करते हैं उनकी हेल्थ के लिए पूजा करते हैं किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज फिक्सेशन की जो पंडित जी को नहीं मालूम वो लोग ग्रह शांत करने की पूजा करेंगे जब भी आप उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर के जाओगे वो एक ही बात बोलेंगे कि ग्रह शांत कर देते हैं हम आपके तो ग्रह शांति की वो पूजा करके तीस चालीस हजार रुपये ले लेते हैं हमसे पर एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम है जैसे कि मैरिज फिक्सेशन या आपका मेडिकल एंट्रेंस या आपका एंट्रेंस में एग्जामिनेशन में आपका एंट्रेंस नहीं क्लियर हो रहा है एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसका अलग मंत्र है उनको वो नहीं पता वो वो देखते हैं किसकी दशा चल रही है ग्रह शांत कर दो ग्रह शांत कर दो तो ठीक है वो शांत हो भी जाते हैं परंतु मेन बात क्या है मेन तो आपकी जो प्रॉब्लम है रिजल्ट से मतलब है तो सेकंड है पूजा और थर्ड है स्टोन्स कॉम्बिनेशन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये तो सबसे फास्टेस्ट तरीका है स्टोन्स कॉम्बिनेशन का बाकी जितनी भी मिस गाइडेंस हो रही है ना आपकी वो पहले तो आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर चुनिए कि देखे आपका कि वो प्लेनेट कैसा है अब नाइनटी परसेंट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन अवर कंट्री डू वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक में उच्च नीच D1 D2 D3 D4 D23 424 तक D9 D10 सारे चार्ट्स हैं वो वहां से प्रडिक्शंस करते हैं जरूरत ही नहीं है देखो ना D2 चार्ट होरा चार्ट है वेल्थ के लिए होता है दो में डिवाइडेड होती है सारी uh, कुंडली कर्क राशि और सिंह राशि में कर्क राशि में कहते हैं कि स्त्री ग्रह होने चाहिए और सिंह राशि में पुरुष ग्रह होने चाहिए तो वो सारा इनका फंडा है दूसरी चीज डी नाइन चार्ट संबंधों के लिए मैरिजेज के लिए और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं और ओवर हेल्थ वेल्थ और सारी रिसोर्सेज देखने के लिए बहुत सारे चार्ट्स हैं वैदिक के अंदर जो जिनको समझना है जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर उन्हीं सारी चीजों को देख करके प्रोडिक्शंस करता है उसके बावजूद भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सिक्सटी परसेंट ऑफ दी प्रोडिक्शंस आप तक पहुंचती हैं फोर्टी परसेंट का जवाब नहीं है वैदिक के पास अब यहां कहाँ आते हैं किसी प्लानिट को पॉजिटिव देखना है नेगेटिव देखना है मेन बात ही वही है कि आपका शनि आ रहा है आपका राहु आ रहा है आपका जुपिटर आ रहा है आपको जानना है कि मेरा वो कैसा रहेगा या इस साल कैसा रहेगा बड़ी गलत फहमियां पाल रखी हैं कि जुपिटर खराब है तो जुपिटर के पीले रंग का दान करो या पीले रंग की बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करो या और बहुत सारे विचित्र बड़े अडीग से उपाय हैं हमारे देश के अंदर जो कि पूरे दुनिया के अंदर कोई नहीं करता पर हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको खराब कर दिया है ये बता बता करके कि ऐसे करो वैसे करो और आप इतने भोले हो आप लोगों को तो बस गाइडेंस चाहिए फ्री वाली गाइडेंस में आप लोग फटाफट इन्वेस्ट करते हो अपने टाइम को पैसे की तो जरूरत ही नहीं है वहाँ पे तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को इन्वेस्ट करो पर एग्जैक्ट चीज पर अगर पूजा करवानी है तो पूजा करो उसका भी बहुत ज़्यादा असर है हम लोग पूजा करते हैं ना तो पंद्रह बीस मिनट तीस मिनट का वीडियो डालते हैं एडिट करके पूरे दो दिन की पूजा है पितृदोष की है गंडमूल की है या कोई भी पूजा हम करते हैं ठीक है ना गंडमूल में आप लोगों को कच्चा घड़ा होना चाहिए सत्ताईस मोरिया होनी चाहिए चार घड़ों को उसके अलावा स्थापित किया जाता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में ब्रह्मा जी इंद्र जी उनकी सबकी पूजा होती है मूल मूलनी की पूजा होती है उसके बाद गंडमूल उतरता है बच्चे को भी बिठाना पड़ता है नहलाना पड़ता है तो सत्ताईसवें दिन होनी चाहिए और जिस दिन नक्षत्र आता है उसी दिन वो पूजा होनी चाहिए जैसे मूल मूला का नक्षत्र पहले अप्रैल को है अश्वनी का नक्षत्र आज अश्वनी का नक्षत्र है तेरह तारीख को आज गुण मूल की पूजा हमने भी करी है किसी के लिए क्योंकि उसका अश्वनी नक्षत्र था सरदार थे सिख थे तो सिख फैमिली वाले बहुत ज्यादा मानते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास और मुस्लिम्स भी जिसको मानना है वो मानता है जिसको नहीं मानना वो अपने रिलीजन में ही फंसा रह जाता है तो चलो खैर इस बात को तो हम छोड़ते हैं बाकी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूं आपको मंत्र हम लोग देते हैं सेकेंड थिंग पूजाज करते हैं जो ऑर्डर आता है हम पूजाज करते हैं मैं खुद करता हूँ वो पूजा तीसरी चीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स तो नीचे लिखे नंबरों पे आप बात कीजिए इसके अलावा आप जितने मर्जी जितने मर्जी यूट्यूब में बता रहे हैं ना वो कि आप ये गोल गोल घूम लो ऐसा कर लो वैसा कर लो या जो भी बता रहे हैं स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर लो स्विच वर्ड्स पता क्या है हमारे इंडिया के स्विच वर्ड्स ज़्यादा बेटर हैं ओम इज द मेन स्विच वर्ड ओम करोगे ना हमारे सशस्त्र चक्र अजना चक्र अनंत चक्र विशुधा चक्र मणिपुर चक्र है ना स्वाधिष्ठान चक्र और उसके बाद मूलधार चक्र जो पहला चक्र है इन सबको कंट्रोल करने के लिए सबका अलग अलग स्विच वर्ड है और वो भी हिंदी संस्कृत वर्ड तो प्लीज़ अंग्रेज़ों को मत फॉलो कीजिए आप और ये जितने भी वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं ना पॉडकास्ट पे वो अलग सा कुछ करके आप लोगों को बेवकूफ बना करके अलग सा कुछ वर्ड बोल गए कि जी कॉन ऑप्लेक्सा बोलो धन 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 दन बोलो लक्ष्मी आएगी तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। जैसे कि आप किसी भी ऐप्स में चले जाओ एस्ट्रोटॉक है मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी ऐप का बहुत सारी एप्स हैं वो आपको पहले पाँच मिनट फ्री देंगे दैट इज़ जस्ट टू अट्रैक्टिव ठीक है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हम कहते हैं कि बुक करो अपॉइंटमेंट सीधा बात करो क्योंकि हम लोग बड़े सीधे इंसान हैं सीधे बच, हम लोग कोई आता है तो मोस्ट वेलकम बिजी तो मैं भी पूरा दिन रहता हूँ सारे स्लॉट्स बिजी रहते हैं सुबह दस बजे से लेकर रात को बारह बजे तक हमारे सारे स्लॉट्स बिजी रहते हैं कोई बीस मिनट का है कोई पच्चीस मिनट का है तीस मिनट का है तो पर मिनट में हमने भी रखा हुआ है जस्ट लाइक एन ऐप पर हम पांच मिनट फ्री नहीं देते हम किसी को अट्रैक्ट नहीं करते झूठा ट्रैप नहीं करते किसी को फंसाने के लिए ये ना आप अपने माइंड को इस्तेमाल कीजिए देखिए आप पहले तो वीडियोस देखा करें उनके जिनके वो आप चूज करते हो कि उसने कैसी नॉलेज डाल रखी है आप मेरे वीडियोस देखिए और उनके वीडियोस देखिए जितने भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मनी वलेक्सा कौन विलेक्सा धम 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 ऐसे करके या बहुत सारे उपाय बता रहे हैं सस्ते उपाय और सस्ता पैसा रखा हुआ है पांच सौ रुपए रखा हुआ है आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए तो आप लोग पहले देखिए तो सही क्या ट्रैप करा हुआ है उसने आपको और उसके वीडियोस देखिए कितनी नॉलेज है उसके पास वो कुछ बात कर रहा है एस्ट्रोलॉजी की या केवल उपायों की बात कर रहा है या वो कुछ समझा रहा है अपने वीडियोज में तब जाकर के हायर कीजिए तब जाकर के उसको ट्रीटमेंट्स को आप अपनाइए ऐसे मत करने लग जाइए ना कुछ भी तो यही मेरी आपसे गुजारिश है आज के वीडियो में काफ़ी लंबा वीडियो हो गया बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग सेफ रहिए आप लोग सोच समझ करके एस्ट्रोलॉजर्स को चुनिए अनपढ़ और सस्ता एस्ट्रोलॉजर आपको बर्बाद भी कर सकता है मिसगाइड करके मेरी आपसे यही दरखास्त है कि अनपढ़ की जगह पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए अब जमाना बदल चुका है बी टेक एम टेक एस्ट्रोल एडवोकेट्स डॉक्टर्स एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं मैंने पढ़ाया है उन लोगों को मैं क्लासेस देता था उन लोगों को तो पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखी ही बात करेंगे किसी को ट्रैप नहीं करेंगे डरेंगे नहीं अनपढ़ और क्रिमिनल इंसान हमेशा आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे आप क्या बिगाड़ लोगे उनका पुलिस तो एफ तक नहीं दर्ज करती वो कहती भाई आप अपनी मर्जी से गए हो हमारे से पूछ के गए थे उनके पास तो आप लोग बड़े हो मेजर हो अठारह साल से अब हो सोच समझ के अट्रैक्ट होइए किसी से पहले आप उसके बारे में जान तो लीजिए उसके वीडियोस तो देख लीजिए तो जाइए भाई साहब किसी के पास भी अट्रैक्ट मत हो जाइए कि बहुत सारी एप्स ने पांच मिनट फ्री रखे हुए हैं आपको पता है बड़ी बड़ी एप्स में एस्ट्रोलॉजर को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने इनको पूरा सत्य नहीं बताना है इनको दोबारा बुलाऊ दस दिन के बाद ताकि उनकी भी इनकम बढ़े अगर दो सौ रुपये तीन सौ पाँच सौ रुपये का बिल बन भी गया वहां तो ढाई सौ रुपये कंपनी के हैं ढाई सौ रुपये एस्ट्रोलॉजर के हैं तो इसलिए ट्रेनिंग भी दी जाती है एस्ट्रोलॉजर्स को कि भाई आप इनको बुलाओ दस दिन बाद फिर रिपीट करो और रिपीट कर करके कर 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 करके वो एक साल में पच्चीस तीस हजार चालीस हजार रुपये खर्च कर देते हैं कभी छोटी मोटी पूजा सजेस्ट कर देंगे सारा पैसा आधा उनका है अब एक आपको पता है कई ऐसी ऐप्स हैं जिनका आठ करोड़ रुपये दस करोड़ रुपये पर डे की इनकम है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इतना ज्यादा फैला दिया है उन्होंने एडवर्टीजमेंट कर करके कई पंडित एस्ट्रोलॉजर हैं जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे तो उनके ट्रैप से बचिए जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है उनसे तो पहले सबसे पहले हाथ जोड़िए तो इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ना जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा ये शेयर ये वीडियो आगे बढ़ेगा तो नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए अब मैं आपको बताता हूं क्यों बात कीजिए अब आपने मेरे से बात की किसी ने आपको डरा दिया किसी ने आपको बोल दिया कि आपका प्लैनेट आने वाला है अच्छा और आ नहीं रहा तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है नाड़ी कैलकुलेशन और उस प्लैनेट को जांच पड़ताल करा जाता है आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि वैदिक में पोजीशन ये है जुपिटर मकर राशि में है या कर्क राशि में उच्च का है मकर राशि में नीच का है वैसे उल्टा मंगल का है मंगल कर्क राशि में नीच का है मकर राशि में उच्च का है तो मंगल का आ रहा है या जुपिटर का पीरियड आ रहा है उसमें कितना पॉजिटिव है नाडी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पता चल जाता है नीचे मेरे वीडियोस देखिए आप तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और बुक करिए अपॉइंटमेंट इट इज़ अ पेड सर्विस और मैं अट्रैक्ट करने के लिए किसी को भी पाँच पाँच मिनट फ्री नहीं देता हूँ ठीक है कि नहीं तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हुआ जय श्री राम जय हनुमान